बाढ़ की चपेट में यूपी के 24 जिले, पटना से भी लोग कर रहे हैं पलायन। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के 24 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर है, जिसकी मार शहरों पर भी पड़ रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपना कहर बरपा चुकी हैं। अब वहां पे पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद वाराणसी में गंगा अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल हो चुकी है। गाँव का हाल तो और भी खराब है। बाढ़ से घिरे गाँव के लोग घर छोड़ने को मजबूर है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ से बचाव के लिए टिकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, लेकिन उसके बह जाने के बाद रमना पनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा है। गाँव वाले अब पलायन करने पर मजबूर है। वहीं पटना की बात करें तो गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से पटना में भी संकट बढ़ता जा रहा है। दियारा इलाके के कई गांव पानी में डूब गए हैं। 6 पंचायत का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ की मार के चलते हजारों की आबादी प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे बुरा हाल दियारा के कासिमचक, अखिलपुर और हेतनपुर गाँव का है, जहाँ बाढ़ के चलते कई झोपड़ियाँ बह गयी। ऐसे हालात में लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव छोड़ने वाले सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।